हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा गैस आज जो है हम जीके के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कोई भी जेके एस का एग्ज़ाम होगा उसके रिलेटेड होके मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है तो कोई भी एग्ज़ाम होगा चाहे सेंट्रल लेवल होगा चाहे स्टेट लेवल होगा तो जी तो सेम रहती है तो वो आपका सिलेबस के लिए बेटर है तो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्पन ऑफ फूड जो है वो टेक प्लेस होता है तो वो कौन सा है स्माल इंटेस्टाइन अब स्माल इंटेस्टाइन को और स्मॉल बाउल के नाम से भी बोला जाता है जहाँ पे जो है आपकी मैक्सिमम लास्ट स्टेप होता है आपका फूड इनटेक का तो उसमें क्या होता है कि आपका एबजॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का जो होता है वो एंड हो जाता है ठीक है यहाँ पे आपका जो मोस्ट ऑफ द एंड एबजॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड टेक प्लेस ठीक है फूड से जो मिनरल uh, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लास्ट में यहाँ पर निकल जाते हैं तो सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस कौन से ऑर्गन में होती है वो होती है स्मॉल एंड में ओके नेक्स्ट ह्यूमन राइट डेज सेलिब्रेट ऑन जो ह्यूमन राइट डे है वो किस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर तो टेन दिसम्बर को हमने जो है यूनाइट नेशन जनरल असम्बली ने जो है टेन दिसम्बर को डेट फिक्स की थी तो इस दिन हम ह्यूमन राइट डेज जो है वो बनाते हैं ठीक है तो ये डेट जो है यूनाइट नेशन जनरल असेम्बली ने जो है डॉप एंड प्रोक्लेमेशन किया था कब टेन दिसंबर और फर्स्ट डे कब हुआ था जब राइट right डे बनाया गया था वो टेन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी एट को याद रखना ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट ह्यूमन राइट डे कब बनाया गया था तो टेन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी एट को बनाया गया था और ऐसे एवरी ईयर हम किस दिन बनाते हैं टेन दिसंबर को ओके नेक्स्ट होम इन्वेंटेड द लॉग्रिथम टेबल किसने लॉग्रिथम टेबल आपको पता है मैथ्स में यूज किया जाता है जिसमें साइन कॉस वगैरह होते हैं तो वो बताओ कि लॉगरिथम टेबल जो है वो किसने इन्वेंट किया था तो लॉगरिथम टेबल किसने इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने जो है इन्वेंट किया था कब किया था इन नाइन इन सिक्सटीन में जो है ये इन्वेंट हुआ था याद रखना डेट अभी लॉगरिथम टेबल जो है वो कब इन्वेंट किया गया था इन सिक्सटीन में और किसने किया था जॉन नेपियर ने ठीक नेक्स्ट मॉल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन काज जॉन्डिस जॉन्डिस जो है वो कौन से ऑर्गन के मॉल फंक्शन की, की वजह से होता है तो किसकी वजह से होता है लीवर की वजह से जो ये जॉइंडिस के साइन की प्रॉब्लम होती है या लीवर में होती है गाल ब्लैडर में पेंगे पर मोस्टली जो है किस में कौन से ऑर्गन के मॉल फंक्शन की, की वजह से होती है लीवर के ठीक नेक्स्ट NDA is situated at which एट विच प्लेस एन डी नेशनल डिफेंस अकेडमी ठीक है तो वो कौन सी प्लेस में है तो एन डी जो है हाँ वो लोकेट है खड़क स्वासला में जो कहाँ पे है पुणे महाराष्ट्र में है ठीक है और इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ़र्स्ट ट्राई सर्विस अकेडमी था कहाँ पे वर्ल्ड में ठीक है याद रखना फर्स्ट ट्राई सर्विस अकेडमी वर्ल्ड में कहाँ कौन सी है नेशनल डिफेंस अकेडमी है ठीक है जो कहाँ है पुणे महाराष्ट्र में ओके नेक्स्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंटरवल ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड आपको पता है कि एशियन गेम्स एक मल्टीडिसप्लिनरी स्पोर्ट है जो ओलंपिक्स uh, गेम के नाम से बोली जाती हैं तो ये कितने साल के बाद कितने टाइम पीरियड के बाद कितने टाइम इंटरवल के बाद जो है ये आ, होती हैं तो ये जो एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स के नाम से बोला जाता है एक मल्टी डिसप्लिनरी स्पोर्ट है जो फोर इयर्स के बाद जो है वो होता है ठीक है इस बार अब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में जो है एशियन गेम्स होगा तो इस बार कहाँ पे होगा चाइना में ठीक है चाइना में जो है ये थर्ड बार होने जा रहा है पहले दो बार चाइना में ये ओलंपिक्स गेम्स हो चुकी हैं और अब जो है ये थर्ड टाइम्स जो है चाइना में होने जा रहा है ठीक है तो ओलंपिक्स गेम नेक्स्ट कब है इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में और कितने साल के बाद होती है ओलंपिक गेम्स फोर इयर्स के बाद जो है ये हेल्ड होती है ठीक नेक्स्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज़ वायर शुड बी हाई या लो अब जो फ्यूज़ होता है तुम्हारा घर पे सबके फ्यूज़ होते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है कि लो होता है तो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट जो है फ्यूज़ वायर का फ्यूज वायर का तो ये क्या होता है लो होता है अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है ठीक है नेक्स्ट लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया इज लार्जेस्ट गुरुद्वारा इंडिया में कौन सा है तो वो कौन सा है गोल्डन टेम्पल अमृतसर सबसे बड़ा गुरुद्वारा है इंडिया का तो वो कौन सा है गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है जो अमृतसर पंजाब में ठीक है नेक्स्ट हेड ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन विच कंट्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हैड है वो कौन सी कंट्री में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज़ फाउंडेड इन 1945 में ठीक है तो जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी याद ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन से लेकिन नाइनटीन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई थी फाउंड हुई थी किसके लिए फ़ाउंड हुई थी क्योंकि उस टाइम जो है पूरी अनपीस uh, हो गया था ठीक है तो ये मेंटेन uh, करने के लिए सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए जो भी नेशंस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि ताकि जो है ये पीस वगैरह रहे सिक्योरिटी वगैरह रहे फ्रेंडली रिलेशंस रहे तो उस टाइम जो है यूनाइटेड uh, नेशन

तो किसके लिए ये बनाई गई थी पीस के लिए इंटरनेशनल पीस के लिए बनाई गई थी सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी या फ्रेंडली रिलेशन के लिए बनाई गई थी ठीक है और इस टाइम कितने मेंबर्स हैं 192 मेंबर्स जो है इसमें कमिटेड है तो इसके ये भी पूछ सकते हैं कितने ऑर्गन्स हैं अगर उसका नाम आपको ऑर्गन सिक्स ऑर्गन्स ऑफ यू के अगर चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं आपको वहाँ बता दूँगी तो अगर यू एन ओ की बात करें तो इसके सिक्स ऑर्गन्स हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा हाँ इसका क्वार्टर की पूछा था तो हेडक्वाटर कहाँ है कौन सी कंट्री में है यूएनओ का तो यूएनओ का हेड का कौन सी कंट्री में यूएसए जो कहाँ पे है न्यूयॉर्क में ओके नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब मैराइन अंडर वाटर इसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आप सरफेस ऑफ वाटर में जो है वो नीचे सब मैराइन मतलब अंदर पानी के अंदर जो है वो जब ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते हैं तो वो कौन सा है पेरीस्कोप ठीक है जो पेरिस्कोप है वो आपका इसके प्रिंसिपल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी और वो हमें पेरिस्कोप जो है वो बता देगा तो पेरिस्कोप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेरिस्कोप जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर जो है वो बेस करता है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बेस है ठीक नेक्स्ट जी फिफ्टीन इज एन इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ जी फिफ्टीन एक इकोनॉमिक ग्रुप है जिसमें फिफ्टीन कंट्रीज़ हैं तो वो किसका ग्रुप है थर्ड वर्ल्ड नेशन का जो है वो ग्रुप है तो अगर मैं जी फिफ्टीन की लिस्ट की बात करूँ तो आपको एक थ्रो आउट करा देती हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उसमें से अल्जीरिया, अर्जेंटीना ब्राज़ील चाइल इजिप्ट इंडिया भी इसका पार्ट है इंडिया इंडोनेशिया ईरान जमैका कैनिया मलेशिया मेक्सिको नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल श्रीलंका वेनगुद जिम्बाबे ठीक है ये फाइव फिफ्टीन कंट्रीज हैं जिसको जी फिफ्टीन को क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन ठीक नेक्स्ट एक्सेसिव सिक्रिएशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट इन एक पिचुटरी ग्लैंड एक स्माल पी साइज ग्लैंड होता है जैसे आपका मटर का धाना देखा होगा उस साइज़ का जो है ही पिच्युटरी ग्लैंड होता है ठीक है इसको हम बॉडी uh, का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ठीक है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ़ द एक्टिविटीज़ हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है मोस्ट ऑफ़ द एक्टिविटीज़ ये जो है वो हैंडल करता, करता है कंट्रोल करता है ठीक है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बॉडीज मास्टर ग्लैंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं पिचुटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड कहते हैं बॉडीज मास्टर ग्लैंड कहते हैं तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सेसिव सिक्रिएशन फ्रॉम द पिच्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन जब पिच्यूटरी ग्लैंड में से एक्सेसिव ज्यादा सिक्रिएशन होती है तो वो किसका रिजल्ट होता, होता है तो वो किसका रिजल्ट होता है इनक्रीज हाइट का ओके नेक्स्ट हु इज द ओनली पर्सन टू हैव वॉन्ट टू नोबल प्राइजेज इंडिविजुअली uh, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने दो नोबल प्राइज़ जो है वो एक अकेले एक ऐसा इंसान है जिसने दो नोबल प्राइज़ लिए हैं ठीक है तो वो कौन है डॉक्टर लूनस कारपोलिंग अब मैं आपको कि इन्होंने कौन कौन से दो इंडिविजुअली अवार्ड नोबल प्राइज़ लिए हैं 1954 में जो है इनको नोबल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में और आठ साल के बाद इनको जो है वो नोबल प्राइज़ मिल गया था uh, पीस पे ठीक है नोबल पीस प्राइज़ मिला था ठीक है ऐसे कौन से फर्स्ट ओनली पर्सन हैं जिनको दो प्राइज इंडिविजुअली मिले हैं तो वो हैं डॉक्टर लीनिस कॉरपोलिंग और कौन को किस किस फील्ड में मिले हैं फर्स्ट इनको जो है एट नाइनटीन फिफ्टी फोर में केमिस्ट्री में मिला था और आठ साल के बाद इनको नोबल पीस प्राइज मिला था ठीक है बेस आज जो है हमने जीके के क्वेश्चन किए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको मैंने इसके साथ साथ इसके डिस्क्रिप्शन भी बता दी ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को थैंक यू